जीवन टॉपिक है सेल्फ स्टीम। दोस्त सबसे पहली चीज सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या होता है, मतलब अपने आप को स्वयं, ठीक। और स्टीम, स्टीम का मतलब होता है समथिंग इज स्पेशल, समथिंग इज वैल्यूएबल, कहने का मतलब कोई बेशकीमती चीज, मतलब अपने आप के लिए क्या बेशकीमती चीज। अगर इसको हम एक रफ लैंग्वेज में दूसरी भाषा में कहें तो आत्मसम्मान। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान अगर उसको जिंदा रखा है उसका इतिहास बनता है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं, ठीक, याद कीजिए झांसी की रानी अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो दोस्त सबसे बड़ी चीज होती है आत्मसम्मान, इससे बड़ी कुछ भी नहीं है, ठीक। सबके पास एटीट्यूड है, वह अपने एटीट्यूड को, अपने एटीट्यूड से उसका सर को ऊंचा रखना नीचा रखना सब कुछ डिपेंड होता है आत्मसम्मान पे। एक छोटा सा हम कहानी लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, कहानी ले ठीक है सर। ओके, देखिए एक चूहा था, सॉरी एक खरगोश था और एक कछुआ। खरगोश को बार-बार कह रहा, मैं बहुत तेज चलता हूं, बहुत तेज चलता हूं, बहुत तेज चलता हूं। कछुआ को रोज रोज चिढ़ाता था बेचारे कछुआ को। एक दिन क्या हुआ, बहुत बुरी बात लगी अपने आप में। फिर एक दिन कछुआ बोला, भैया आओ आज एकदम फैसला हो ही जाए। कौन सा क्या करता है, तेज दौड़ता है। इसके लिए क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एक एंडिंग पॉइंट रखा गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से गेम को शुरू करना है और एंड पॉइंट जहां पे गेम फिनिश करना है। चलो लग गई सर, बेचारा खरगोश भाई चले 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 एक जगह झाड़ी मिला, सोचे मैं तेज दौड़ता हूँ आराम कर लिया जाए। बेचारा कछुआ, ठीक, अपने आप पे भरोसा किया, मैं तेज चलता हूँ वैसे ही चलूंगा, चलते गया चलते गया चलते गया और फाइनली पहुंच गया। तो दोस्त इस कहानी को मैं रिलेट कर रहा हूँ अपने टॉपिक से आत्मसम्मान से। पहली चीज, अगर किसी को अपना आत्मसम्मान बढ़ाना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, तीन चीजों पे अब ध्यान दो। पहला, कोई आपके बारे में क्या बोलता है सुनो ही मत, सुनना ही नहीं है, बिल्कुल सुनना ही, कान बंद कर लो कौन क्या बोला। दूसरी चीज, आप अपने चेहरा, लंबाई चौड़ाई, अपने शरीर में काला हूं गोरा हूं इस पे नहीं जाओ, बस अपने चरणों पे जाओ, ठीक। आज बराक वहां साहब कहां है, ठीक। इसके बाद दोस्त सबसे पहली चीज, डेली वैसे लोगों का आप लिस्ट बनाओ जो आपके बारे में बोलते हैं, और चंदन यू एक अच्छा लड़का है, ठीक, चंदन एक अच्छा लड़का है, वैसे लोगों से आप मिलिए, ठीक। आप अपने आप को फिर सेल्फ रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। वैसे लोगों से आप उम्मीद कीजिए, आप मिलिए उनसे, उनका जस्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, आप शुरू कर दे। हाँ, एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। मैंने एक टर्म सुना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाँ, और एक होता है सेल्फ स्टीम, ये दो टर्म्स के बारे में मैंने सुना है, हाँ। क्या आप एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में कुछ बता पाओ? दोस्त यहाँ टाइम कम है। अच्छा ठीक ठीक है, टाइम के बाद हम आराम से बात करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, चलिए, यानी कि हम ऐसे लोग का कॉन्टेक्ट बनाएंगे। इसके बाद, इसके साथ साथ उनसे ज्यादा मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, शेयर करेंगे अपने फीलिंग्स को, ठीक है, और अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आने देते हैं, ठीक। इससे आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ेगा, जिसको कभी आंच नहीं आएगी। कहने का मेरा ओवरऑल यही है, आत्मसम्मान मतलब आप अपने आप को कितना इज्जत देते हो, आपकी नजरों में आपकी कीमत क्या है, ठीक, यही आप, यही आत्मसम्मान कहलाता है, ठीक। और इस कहानी से दोस्त एट लास्ट यही शिक्षा मिलती है कि कछुआ बहुत तेज दौड़ते हुए भी अपना काम आसानी से, अपनी इज्जत की उसने इज्जत रख ली और अपना काम फाइनली कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। ओके, द पॉइंट फॉर दिस इन